अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स कौन कौन से ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो बूस्टिंग टेक्निक के अंदर यूज़ होते हैं यानी कि हम कैसे एल्गोरिथम्स को बूस्टिंग टेक्निक के अंदर यूज़ कर सकते हैं लेट्स सी और उनकी टाइप्स भी हम पढ़ते हैं आपने काफ़ी टाइप्स ख़ुद भी देखी है मैं आपको नाम बताऊंगा उनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा और हम फिर आहिस्ता आहिस्ता उन सारे एल्गोरिथम्स को यूटिलाइज करके देखेंगे स्क्रीन आपके सामने हाजिर है सबसे पहला मॉडल है और इस बेसिकली इसको हम मैथड भी बोल सकते हैं बूस्टिंग के फॉर एग्जाम्पल एडाबूस्ट बूस्ट एक काइंड ऑफ एल्गोरिथम है जिसको हम अडेप्टिव बूस्टिंग बोलते हैं ठीक है बूस्ट भी इसको बोला जाता है बूस्ट भी कोई बोलते हैं अडाप्टिव बूस्ट इसका नाम है बेसिकली इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज बूस्टिंग एल्गोरिथम्स ठीक है ये इतना बड़ा यूजफुल बूस्टिंग एल्गोरिथम है जो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू सिंगल मॉडल It gives, क्या करते हैं वेड्स टू ईच डेटा पॉइंट इन ट्रेनिंग सेट बेस्ड ऑनसी मॉडल जो सारे मॉडल करते हैं एंड मॉडलिंग द अपडेटेड वेड होता क्या है कि जो पिछले मॉडल ने परफॉर्म किया है यहां पे फॉर एग्जांपल इस इस डायग्राम में देखें इस मॉडल ने जो परफॉर्म किया ना डिसीजन ट्री ने इस पे अब जो अगला डिसीजन ट्री चलेगा मिस क्लासिफाइड तो चलेगा ही चलेगा लेकिन अपडेटेड वेट्स की बेस पे चलेगा जो पिछले वेट सभी को बराबर दिए थे अब अगली दफा अपडेटेड वेट्स होंगे और जिससे फायदा ये होगा ये अडेप्ट करता जाएगा बार बार यानी कि हर दफा अगर कोई गलती होगी वेट का मतलब है कि इन पांचों में से मैं किस ज्यादा ट्रेन करूँ उनको ट्रेन करेगा जिनकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल वो ग्रीन वाले पॉइंट्स हैं तो क्या करेगा इन पर ज्यादा फोकस करेगा बाकियों पर कम यानी कि पचास फीसद एनर्जी इन दो पे लगाएगा और पचास फीसद इन तीन पे लगाएगा और फिर अगली दफा इन दो पे लगाएगा फिर बाकी तीन पे सो दिस इज हाउ इट सो हम इसको कह सकते हैं कि अदाप बूस्ट जो है ये बेसिकली अडेप्टिव बूस्टिंग एलग्रिथ है जिसको हम बूस्टिंग बोलते हैं ठीक है अब इसमें अडेप्टिव बूस्टिंग इज वेरी यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन टास्क तो ये क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए बहुत जरूरी है एक बात आपको बता दूं बूस्टिंग एंड बैगिंग दोनों दोनों जो है है, है है दोनों के लिए use हो सकती है, don't worry about that. अगर आपको regression करनी करनी तब भी आप कर सकते हैं, classification करनी है, तो वो भी आप आप कर कर सकते सकते हैं, हैं. तो वो हमारा ग्रेडियन बूस्टिंग ग्रेडियन बूस्टिंग वर्क्स बाय फिटिंग न्यू मॉडल्स टू द रेजिड एरर्स ऑफ द प्रीवियस मॉडल अब ये क्या करेगा जो पिछले मॉडल की रेजिडल एरर है यानी कि इस पूरे मॉडल से जो आपने काम किया उसकी रेजिड्यूल एरर फाइंड आउट करेगा यानी कि जनरलाइज्ड मॉडल है इससे डेटा पॉइंट्स कितनी दूर हैं। उन रेजिड्यूल एरर्स की बेस पे ये आपको नेक्स्ट जो है मॉडल उसको ट्रेन करने में हेल्प करेगा सही है फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर बात की जाए ग्रेड बूस्टिंग वर्क बाय फिटिंग न्यू मॉडल्स टू द रेजिडल एरर्स ऑफ द प्रीवियस मॉडल्स इट मिनिमाइज द लॉस फंक्शन यूजिंग ग्रेडियन डिसेंट एंड मे बी अपलाइड टू बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ग्रेडियन डिसेंट एक टेक्निक होती है जिससे आप क्या करते हैं अपना ग्रेडियंट जो है वो चेंज करती है मॉडल uh, को ताकि सारे के सारे डेटा पॉइंट खुश हो जाए अगर मिसाल के तौर पर आप फिटिंग द लाइन उसको ग्रेडियन डिसेंट की बेस पर देखें लीनियर रिग्रेशन के अंदर तो एक लाइन ऐसे आप रैंडमली लगा दें और फिर उस लाइन को आप मूव करते जाए इतना मूव करें कि उसका ग्रेडियंट जो है वो कम होता 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 है इतना हो जाए कि सारे डेटा पॉइंट्स जो ओरिजिनल हैं इस लाइन के इर्द गिर्द वो इस लाइन से खुश हो जाए सो so, इसको ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं बाय द वे इसको हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह डिटेल के अंदर लेकिन इनके जो पॉपुलर ग्रेडियंट बूस्टिंग इंप्लीमेंटेशन है उसको एक्स जी बूस्ट भी बोला जाता है और लाइट ग्रेडियंट बूस्ट मैनेजमेंट भी बोला जाता है नॉट नॉट मैनेजमेंट इट्स लाइट जी बी एम लाइट जस्ट अट लाइट जी बी एम मेरे माइंड से स्किप हो गया इसको क्या बोलते हैं लाइट जी बी एम लाइट जी बी एम ग्रेडियन बूस्टिंग मशीन लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन मैं इसको मॉडल समझ रहा था लेकिन दिस इज लाइट ग्रेडियम बूस्टिंग मशीन जस्ट स्किप इन माइंड ओके सो एक्स जी बूस्ट जो है एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग है एंड लाइट जी बी एम है हमारा लाइट ग्रेडियन मशीन ग्रेडियन बूस्टिंग मशीन सो होता क्या है ये दोनों ग्रेडियन बूस्टिंग टेक्निक को यूज़ करके आपके मॉडल के अंदर एरर की बेस पे अगले ट्री को या अगले मॉडल को रन करते हैं तीसरी हमारी टाइप है जो हमारे पास है वो है कैट बूस्ट यानी कि कैटेगोरिकल बूस्टिंग सिंपली ये क्या करती है ये हैंडल कैटेगोरिकल डेटा को बहुत अच्छे से कर सकती है और कैट बूस्ट मॉडल ज़्यादातर आप उन चीज़ों पर लगाते हैं जो आपने कैटेगोरिकल तरीकों से आपका डेटा ज़्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल आपके सारे के सारे कॉलम अगर कैटेगोरिकल डेटा के हैं फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी के हैं या कुछ ऐसे डेटा सेट के हैं जो सर्वे के हैं तो आप कैट बूस्ट को यूज़ कर सकते हैं फिर आपके पास आता है एस जी डी एस जी बी सॉरी स्टोकेस्टिक ग्रेडियन बूस्टिंग ठीक है सो so इसमें होता क्या है आप सिमिलरली टू ग्रेडियन बूस्टिंग स्टोकेस्टिक ग्रेडियन बूस्टिंग फिट्स ईच न्यू मॉडल विद रैंडम सबसेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा एंड रैंडम सबसेट ऑफ द फीचर्स ये क्या करता है ओवर को कम करने में हेल्प करता है सो ग्रेडियट बूस्टिंग से ऊपर आपके पास स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट बूस्टिंग है ठीक है अब एस जी डी एक टेक्निक है जिसको स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं ये बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम जाके पढ़ेंगे सो वी विल सी दैट इन इन कपल ऑफ डेज एंड देन हमारे पास है जी एल पी बूस्ट एलपी बूस्ट क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग बूस्टिंग एल पी बूस्ट इज अ बूस्टिंग एल्गोरिथम दैट मिनिमाइज द एक्सपोनेंशियल लॉस फंक्शन यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज़ कैपेबल कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ वाइड रेंज ऑफ लॉस फंक्शन एंड मे बी अप्लाई टू बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन सो सिंपली क्या है ये लॉस को कम करता है जितने भी मॉडल्स हैं ना बेसिकली वो आपके रेजिडुल्स को कम करेंगे लॉस को कम करेंगे या जो मिस क्लासिफिकेशन है उसको कम करेंगे ऐट दी एंड जितने भी मॉडल्स होते हैं जो बूस्टिंग के होते हैं या बैगिंग के होते हैं यानी कि उन सैंपल मैथड्स के अंदर वो किसी ना किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं और हर एक मॉडल जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ग्रेनियन डिसेंट क्या है वो बेसिकली आपके मॉडल को रेजिडुअल्स की बेस पे फिट कर रहा होता है और की तरफ लेके जा रहा होता है कैट बूस्ट क्या है ये कैटेगोरिकल डेटा को इतना मेंटेन करता है कि उनके रैंक के अंदर वेरिएंस को कम कर रहा था एंड देर आर मैनी अदर मैथड्स जो आप यहां पर देख सकते हैं जिनमें एल पी बूस्टिंग जो है एक टेक्निक है बहुत कम यूज होता है बट दिस इज देयर फिर एक है जी टोटल बूस्टिंग टोटल बूस्टिंग इज एदा बूस्ट एंड एल पी बूस्टिंग मैथड सही है तो एडा बूस्ट एन एल पी इसके अंदर होता है इट वर्क्स बाय मिनिमाइजिंग अ मिक्सचर ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लीनियर प्रोग्रामिंग लॉसेस ठीक है और इससे भी एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव होती है सो so, कोई भी मेथड आप उठा के देख लें एट द एंड बूस्टिंग की ही टेक्निक है किसी में वो किसी और मैट्रिक्स को देख रहा होगा किसी में किसी मैट्रिक्स को लेकिन टेक्निक यही चलेगी फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डेटा पॉइंट है मैंने पहला डिसीजन ट्री लगाया अब ये डिसीजन ट्री की आउटपुट से ये अंदाजा लगाएगा कि मैंने रेजिड्यूल्स को आगे लेके जाना है मैंने इसके लीनियर लॉस को कम करना है मैंने इसके फॉर एग्ज़ाम्पल मिस क्लासीफिकेशन को कम करना है मैंने इसके फीचर सेलेक्ट करके आगे जाना है so, सो हर मॉडल जो है कोई स्पेसिफिक एक लेवल से अपनी वैल्यूज उठाएगा और उनको आगे प्रोडिक्शन के अंदर लेके जाएगा ठीक है सो ये हमारे पास मॉडल्स आ गए अब इनकी एक गाइड मैं आपको देता हूँ ये आपके सामने एक स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं एल्गोरिथम का नाम क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल एदाबूस्ट एडेप्टि बूस्टिंग बूस्टिंग स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट बूस्टिंग एल पी बूस्ट एंड टोटल बूस्ट ये हमारे पास दो तीन चार पांच एल्गोरिथम्स हैं ठीक है अब अगर इनको गौर से आप देखें तो ये इनकी डेफिनेशन है 1995 में फाइव बूस्ट आया था आपके पास 1999 में ग्रेडियन बूस्टिंग अर्ली ट्वेंटी टू थाउजेंड के अंदर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट बूस्टिंग एल पी बूस्ट आ गया टोटल बूस्ट आ गया एंड देन आपके पास एक्स जी बूस्ट आया दो हजार सोलह में लाइट जी बी एम आया दो हजार सत्रह में एंड कैट बूस्ट आया दो हजार सत्रह में तो ये ऑथर्स के नाम जिन जिन ने इनको क्रिएट किया है ठीक है और उनकी एग्जाम्पल यूज़ केस फॉर एक्जाम्पल अडेप्टि बूस्टिंग बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा है फेस डिटेक्शन के लिए अच्छा है रैंकिंग ऑफ एल्गोरिथम के लिए ग्रेडियंट बूस्टिंग अच्छा है फिर आपके पास स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है सिनेरियो जहाँ पे वेरिएंस को कम करना उसके लिए अच्छा है फिर आपके पास एल बूस्ट है टोटल बूस्ट है एक्स बूस्ट है एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है क्यों क्योंकि अगर आप चेक करें ना कॉमनली ये यूज किया जाता है जब कैगल के कंपटीशन ऑन स्ट्रक्चरल और टेबुलर डेटा पे यानी कि स्ट्रक्चर डेटा जब आपका होगा तब आप एक्सट्रीम बूस्ट को यूज़ करेंगे ठीक है और ये उनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपके पास दिए हुए हैं सो आई वुड रिकमेंड कि आप इनका स्क्रीन ले लें यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीन शॉट लेके इसको अच्छे से एक दफा पढ़ लें ठीक है ताकि आपके पास प्रोज प्लस कॉन्स जो हैं वो आपको समझ आ जाए राइट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंट right. तो आपने ये दो स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे okay. अब आपका छोटा सा टास्क ये है कि आपने पांच से दस मिनट लगाने हैं इन मॉडल्स को पढ़ने में ठीक है और आपने इन दोनों टेबल्स के अंदर गलतियां भी ढूंढनी है ये सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ लेंगे दैट सेट नहीं आपने गलतियां ढूंढनी है मैंने दो तीन जानबूझ के इसके अंदर एरर्स छोड़ी हुई हैं छोटी छोटी एरर्स हैं यू हैव टू फाइंड इट आउट इससे क्या होगा मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोग जो हैं पढ़ रहे हैं और आप कहाँ पर उन गलतियों को हाईलाइट कर सकते हैं यू कैन यूज़ द डिस्कॉर्ड सर्वर चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है ठीक है और अब हम जो चीज़ें हमने समझी हैं बूस्टिंग की बैगिंग की और स्टैकिंग की स्टैकिंग इनशाला हम आने वाले दिनों के अंदर भी पढ़ेंगे बट फॉर नाउ बूस्टिंग एंड बैगिंग लगता तो ये है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि एक्यूरेसी को इतना कम कर देंगे कि हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर यहाँ पे कैगल के कंपटीशन लोगों ने एक्सटी बूस्ट मॉडल को लेके यूज़ किए हुए हैं सो यार मसला ही कोई नहीं है मतलब ये तो फिर मशीन लर्निंग बहुत आसान होगी पाइथन में जब हम कोडिंग करेंगे रुको जरा सब्र करो बोला धक्काकी नहीं करने का रीज़न क्या है रीज़न ये है कि जनाब आपका ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मॉडल अच्छा फिट हो जाएगा मॉडल फ़िट होने के बाद आपका वेरिएंस भी कम हो रहा है आपका सिंगल एल्गोरिथम की बजाय एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है बट देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको आपने इम्प्रूव करना है कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जो बूस्टिंग और बैगिंग के एल्गोरिथम हैं ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूरल नेटवर्क या उनको टक्कर दे सकते हैं अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में होना चाहिए एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर आपके माइंड में यह क्वेश्चन नहीं है देन बिलीव मी यू शुड थिंक अबाउट इट कि क्या यह न्यूरल नेटवर्क को टक्कर दे सकते हैं कि नहीं इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस लेक्चर में आपको आ, एक एक क्या कहते हैं कॉल ऑफ कॉल टू एक्शन छोड़ता दूँ आप देखें कि क्या न्यूरल नेटवर्क जो एक डीप लर्निंग के एल्गोरिथम होता है जो बहुत आजकल मशहूर हुए पड़े हैं उनसे अच्छा आपका आ, बैगिंग और बूस्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं क्या ख्याल है सोचें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिएगा